हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वाटर के बिहेवियर के बारे में, जो कि एक स्ट्रेंज सा बिहेवियर है वाटर का। अब जनरली देखें कि जब आप किसी सब्सटेंस को ठंडा करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं उसका, अब वो सब्सटेंस क्या करता है, उसकी डेंसिटी इनक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि एटम्स या मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है, फ्रीज होती है, और डेंसिटी क्या हो जाती है, इनक्रीज़ हो जाती है। लेकिन वाटर के केस में क्या है कि जब आप वाटर को फ्रीज करते हैं, देन उसकी डेंसिटी बजाय इनक्रीज़ होने के वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब जनरली जो टेम्परेचर्स होते हैं, जैसे देखें रूम टेम्परेचर होता है अगर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तब आप पानी को ठंडा करना स्टार्ट करें, फ्रीज करना स्टार्ट करें, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करें। अब वो 25 डिग्री सेल्सियस से आपने जब डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया, 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी की डेंसिटी क्या होती है, इनक्रीज़ होती है, लाइक अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है और आप कंटिन्यूसली उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, उसको फ्रीज़ कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, जो कि पानी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो 4 डिग्री सेल्सियस या इससे कम जब आप टेम्परेचर करते हैं, तो इसकी डेंसिटी वाटर की बजाय इनक्रीज़ होने के क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे ही वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचता है, मींस के 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न ये है कि आइस जो होती है, मींस के जब पानी जमना स्टार्ट हो गया, आइस बन गया, बिकॉज द ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉजेज मॉलिक्यूल्स टू पुश फार्दर अपार्ट विच लोअर्स द डेंसिटी। अब आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो अपने आप को अरेंज कुछ इस तरह से करते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा हो जाती हैं, जिस वजह से डेंसिटी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज़ हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, यहाँ पर आप देखें कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है या हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर मौजूद लोन पेयर और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स तो इसने यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन्स दो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिनको आप लोन पेयर्स बोलते हैं। लोन पेयर्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, अब ये जो दो लोन पेयर हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन जो होगा, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। क्यों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि आप देखें ऑक्सीजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो जो पेयर इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ होता है, वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, जिस वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो थोड़ा दूर हो जाता है। ठीक हो गया, सो इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर मौजूद लोन पेयर और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को कुछ इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा हो जाती हैं, जिस वजह से 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर फ्रीजिंग पॉइंट तक जो वाटर की डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है बजाय इंक्रीज़ होने के। तो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।